आंखों से अच्छी चीज देखना, कानों से अच्छी चीज सुनना, वाणी अच्छी बोलना, जिह्वा है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे। बताओ बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? मैया जितनी सास बैठी है सब बताएंगी। मैया बहू अच्छी होती है कि बुरी होती है? छाती पे होरा भूंजती है? हाँ, छाती में मूंग दरती है? हाँ नहीं, बताओ। आपको केवल ये बताना बहू अच्छी होती है या बुरी होती है, जोर से। इस संसार की हर, देखो जितनी सासें हैं आप भी कभी बहू थी, मतलब बहू से ही प्रमोशन होकर आप सास तक जाती हो। बहू का प्रमोशन हो गया तो सास बन गई, है ना? तो ये प्रमोशन है। तो बहू अच्छी होती है, बहू हमेशा अच्छी होती है। जब घर में नई बहू आती है ना, तो घर वाले ससुराल पक्ष जो है वो लोग ना बहू की, कुछ ससुराल वाले तो अच्छे होते हैं, कुछ सास जेठानी ननंद सब अच्छी होती हैं, पर कुछ लोग कैसे होते हैं कि बहू की कमी देखते हैं। बहू की क्या देखते हैं? कमी। और जहां कमी पाई वहां डस दिया, मतलब ताने मार दिया। वैसे भी आज नाग पंचमी है, आप सबको बधाई हो नाग पंचमी की। हमें नाग से याद आया कि आज नाग पंचमी भी है। तो सुनो, बहू यदि जरा सी भी गलती करती है तो सास क्या कर देती है? डस देती है। मतलब ताने, तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है। तो बहू का तो बड़ा अच्छा भाव होता है अपनी सास के लिए, माँ वाला, लेकिन जब सास डसने लगती है तो फिर बहू का क्या होता? अरे ये तो कुछ भी बोलती है। धीरे धीरे बहू के अंदर की जो ससुराल पक्ष के प्रति श्रद्धा है ना, वो आपके बोलने से समाप्त हो जाती है, और उसके हृदय में जो आपके प्रति सम्मान है ना, मेरी माँ, वो सम्मान खत्म हो जाता है। भाई मैं आपके साथ अच्छा करूं, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं, और आप मुझे बोलते रहे उल्टा सीधा, तो भाई कितने दिन में आपका आदर करूंगा, बोलो। तो बहू आपके पांव दबा रही है, बहू आपको भोजन बना के दे रही है, और आप उसकी एक गलती पर, जैसे आपकी बेटी गलती करती तो माँ समझाती है ना, ताने नहीं मारती अपनी बेटी, कोई माँ अपनी बेटी को ताने नहीं मारती, बहू को ताने मारती है। और यही तुम्हारे छोटे छोटे ताने एक दिन बहू के अंदर आपके प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। अरे ये बुढ़िया तो बस बोल नहीं, इसको तो कुछ भी कर दो, ये इसको बोल नहीं। तो फिर बहू तो बुढ़ापे में पूरा हिसाब चुकाती है, फिर ले बुढ़िया अब क्या करेगी। इसलिए बहू अच्छी होती है, उसे डंक मार मार के ननंद भौजाई जेठानी और सास ये सब ना, और जमा पूरा परिवार सब मिलजुल के डस डस के उसका पूरा हृदय परिवर्तन कर देते हैं। फिर वो भी लड़ने के मूड में आ जाती, आ जा बुढ़िया ऐसे। हाँ या ना? इसलिए रिश्तों एक, इसलिए एक बात कही है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए। रहीमन धागा, बोलो आप, ये सब आपके लिए बोल रहा हूं मैं, काम आएंगी मेरी बातें आपके। बोलो रहीमन धागा, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए सास यदि अपनी बहू को बेटी की तरह रखेगी, बेटी की तरह समझाएगी और बेटी की तरह व्यवहार करेगी, तो बहू, देखो इंसान को ना जीता जा सकता है अपने व्यवहार से। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है कि नहीं?